हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी। जी हाँ, सबकी फेवरेट स्ट्रीट फूड में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फूड इसको माना जाता है, पाव भाजी। सो गाइस आज हम घर पे बनाने वाले हैं पाव भाजी। सो गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं पाव भाजी। यहाँ पे मैंने चुकंदर लिया है, एक चुकंदर का यूज मैंने किया है। चुकंदर बेसिकली मैं इसलिए लिया हूँ ताकि हमारे पाव भाजी में कलर आ सके। मैं फूड कलर यूज नहीं किया हूँ, मैं चुकंदर यूज किया हूँ। ठीक है गाइस, आप फूड कलर का भी यूज कर सकते हो। देन फिर मैंने ग्रीन मटर का भी यूज़ किया है और फिर टमाटर, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 3 टमाटर का यूज़ किया है ताकि खट्टापन आ सके हमारी पाव भाजी में। ठीक है, आप अगर चाहो तो आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो खट्टापन के लिए। सो 3 टमाटर को मैंने स्लाइसेस में छोटे छोटे कट कर लिया है। एंड देन फिर यहाँ पे मैं 2 गाजर का भी यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 3 बड़े आलू लिया हूँ। बेसिकली मैं 2 लोगों के लिए पाव भाजी बना रहा हूँ। जो भाजी मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी भी बना रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या है, अब मैंने मिर्च को भी बिल्कुल छोटे छोटे स्लाइसेस में कट किए हैं। एंड देन फिर 1 कैप्सिकम मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो 1 कैप्सिकम को अभी मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर रखा है। एंड यहाँ पे 2 मीडियम प्याज को मैंने बिल्कुल बारीकी से छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। मैंने लंबा लंबा नहीं काटा है, इस बार बारीकी से छोटे छोटे काटा है। एंड ये जो टमाटर है मैंने आपको पहले से दिखा ही रखा है। तो अब हम चलते हैं अपने गैस की ओर। सो मैं प्रेशर कुकर पे सारा काम करूंगा क्योंकि मुझे सीटी लगाना है, क्योंकि आलू को हमें बॉईल करना है, अभी हमारा आलू कच्चा है। सो चूंकि हमारा प्रेशर कुकर गर्म था सो मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया और उसके बाद मैंने क्या किया, जीरा डाल दिया। सो जीरा डालने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको आपके आलू को डालना है। जी हाँ गाइस, सो जो आलू आपने कट करके धो के रखा था, गाइस आलू को धोना भी है। ठीक है, सो धो लेना। धोने के बाद फिर आपको क्या करना है, प्रेशर कुकर में डालना है। डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपको मिलाना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। ओके, और एक और बात कि आपकी जो गैस की फ्लेम है ना वो बिल्कुल हाई होनी चाहिए, लो फ्लेम पे मत रखना। फिर हम क्या करेंगे, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है। एंड देन फिर यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा और कलर आ सके। एंड देन फिर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालना। देन फिर आप क्या करो, इसको मिलाओ। गाइस अगर आपको तीखा पसंद है, तीखा तो वैसे मुझे भी पसंद है, मैं बाद में ब्लैक पेपर यूज़ करूँगा, लेकिन आप क्या करो, यहाँ पे आप नॉर्मल लाल मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो फिर आपको क्या करना है, मिलाने के बाद गैस हाई फ्लेम पे फिर आपको क्या करना है, मटर को भी ऐड कर देना है। सो जो ग्रीन मटर आपका था, आप चाहो तो फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हो। अगर ग्रीन मटर अगर ना मिले आपको तो आप मार्केट से फ्रोजन मटर भी लाके यूज़ कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने टमाटर को भी यहाँ पे ऐड कर लेना है। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे दे, लाइक करे, कमेंट करे। ओके, फिर आपको क्या करना है, टमाटर एंड मटर डालने के बाद आपको इसको अच्छी तरीके से मिलाना है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही आपको अभी रखना है। गाइज आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही कलरफुल लग रहा है। एंड एट द एंड कलरफुल बनने भी वाला है हमारा पाव भाजी, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनने वाला है, उससे भी अच्छा बनने वाला है मैं कहूँगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम अपने गाजर को ऐड कर लेंगे। सो जो भी गाजर आपने कट करके रखा था ऑलरेडी, सो आप क्या करो, आप इसको ऐड कर लो। गाजर डालने के बाद फिर हम अपने चुकंदर को भी ऐड करेंगे। सो यहाँ पे मैं अपने चुकंदर को भी ऐड कर रहा हूँ। गाइस चुकंदर बेसिकली फूड को कलर करता है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है चुकंदर। मैं तो कहता हूँ कि आप चुकंदर के डेली जूस पिया करो, उससे बहुत हेल्दी इम्यून सिस्टम बहुत बढ़ेगी। और कोविड के टाइम पे तो आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाना ही बढ़ाना है, तो आप चुकंदर का सेवन आप डेली किया करो। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे आप क्या करो, जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालने के बाद आपको इसको अच्छी तरीके से मिलाओ। एंड देन फिर गैस की फ्लेम भी आपको हाई ही रखनी है। ठीक है, आप इसके टेक्सचर को देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही कलरफुल लग रहा है गाइस। देखो अब मैंने ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ किया, ब्लैक पेपर पाउडर मेरा फेवरेट मसाला है, इसलिए मैं हर रेसिपी में ये यूज़ करता हूँ और ये तीखा लेके आता है। देन फिर मैं यहाँ पे 1 ग्लास पानी यूज़ कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि अब हमें ग्रेवी भी थोड़ा बहुत चाहिए ना पाव भाजी में, हमें ड्राई तो नहीं चाहिए ना पाव भाजी, तो ग्रेवी लाने के लिए हमने यहाँ पे पानी ऐड किया है। ओके, और यहाँ पे मैं बेसिकली 2 लोगों के लिए बना रहा हूँ। सो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने आलू एंड पानी को यूज़ करना। फिर यहाँ पे हमें सीटी लगा देना है, 3 सीटी हमें लगाना है। एंड देन फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मैं बटर यूज़ कर रहा हूँ। गाइज बिना बटर के पाव भाजी अधूरा होता है, और ये मैंने पाव मार्केट से खरीद के लेके आया।
कढ़ाई की ओर चलते हैं। फिर कढ़ाई में आपको रिफाइंड ऑयल यूज करना है। रिफाइंड के साथ ही साथ मैं बटर यूज कर रहा हूँ। जी हाँ गाइस, मैं सिर्फ बटर नहीं यूज कर रहा हूँ, रिफाइंड ऑयल के साथ बटर यूज कर रहा हूँ। ओके, आपको भी बिल्कुल ऐसा ही यूज करना है। उसके बाद क्या करो, आप अपने प्याज को डाल दो। प्याज को डालने के बाद आपको क्या करो, आप थोड़ा सा इसको मिला दो। मिलाने के बाद आप अपने चिली को डाल दो। जो भी आपने मिर्च को काट के रखा था आप इसको ऐड कर दो और 2-3 मिनट तक आप इसको फ्राई करो। सो दैट प्याज का जो थोड़ा सा स्मेल है वो थोड़ा सा हट जाए, प्याज थोड़ा हमारा भुन जाए, थोड़ा कलर चेंज आ जाए हमारे प्याज में। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कैप्सिकम को भी ऐड कर लेना है। ठीक है गाइस, सो टाइम हो चुका है 2-3 मिनट। अब मैं क्या करूँगा, अपने कैप्सिकम को ऐड करूँगा। गाइस वीडियो अगर पसंद आ रही हो सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, एंड ये रही, हमने कैप्सिकम भी ऐड कर लिया है। एंड देन फिर आपको मिलाना है, जो भी आइटम आप ऐड करोगे तो फिर उसके बाद आपको मिलाना पड़ता है गाइस। ऑलराइट, देन फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने टमाटर को भी ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने अपने टमाटर को ऐड कर लिया है। और गाइस साथ ही साथ हम देखते हैं, हमारा सीटी लग चुका है। ठीक है, 3 सीटी मैंने लगाया, 3 सीटी लग चुका है। देखते हैं प्रेशर कुकर में क्या है। ओके, सो ये हमारा, आप देख सकते हो ये एक टाइप के आलू की सब्जी बनी है, एक टाइप से जैसे हम दम आलू वगैरह बनाते हैं तो इसी टाइप से तो बनाते ही है। तो ये हमारी सब्जी बन के कम्प्लीट है। इसको हम वापस से इसको फ्राई करेंगे कढ़ाई में। ठीक है, सो वापस चलते हैं अपनी कढ़ाई की ओर। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हो हमने टमाटर और कैप्सिकम डाल रखा था ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत नमक और ऐड किया है, और सबसे मेन बात यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला यूज़ किया है। गाइस आप भर भर के पाव भाजी मसाला डालो, पाव भाजी मसाला से टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिलाना है अपने मसाला डालने के बाद। एंड देन गाइज यहाँ पे मैं कसूरी मेथी का भी यूज़ कर रहा हूँ। गाइज कसूरी मेथी से टेस्ट इन्हेंस होता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी का भी यूज़ किया है। ऑलराइट, तो कसूरी मेथी डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, मिलाना है। मिलाने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपने जो सब्जी बनाया है आलू का आप सब इसमें ऐड कर दो। ठीक है गाइज, ऐड करने के बाद वापस क्या करो, आप इसको मिलाओ। सो गाइज ये पोटैटो स्मैशर है, तो आपको क्या करना है, इससे आपको स्मैश करना है, मतलब दबाना है आपके आलू को। आपने स्ट्रीट में भी देख रखा होगा वो लोग इसी का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली हम अपने चम्मच से दबा नहीं पाते अच्छी तरीके से आलू को, बिल्कुल आलू को हमें ऐसे दबाना है सो दैट आलू है जो बड़ा बड़ा आलू है ना उसको बिल्कुल छोटा छोटा करना है। ठीक है, चोखा जैसे हम लोग बनाते हैं ना उसी तरह आपको इसको दबा दबा के चोखा बना देना है, पाव भाजी। ठीक है, सो आपको इस तरीके से बिल्कुल मिलाना है, एकदम स्मैश करना है आपने आलू को। एंड जो भी सब्जी आपने डाल रखा है लाइक चुकंदर है, गाजर है, सो हर चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको मिलाना है, पूरा स्मैश कर देना है, बिल्कुल चोखा बना देना, भरता निकाल देना है इसका, ऐसे दबाना है। मटर को भी हर एक चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से स्मैश करना है। ठीक है गाइज, सो पोटैटो मैशर आप एक खरीद लेना अगर आपके पास ना हो तो। देन फिर यहाँ पे हमने धनिया भी ऐड किया है गाइज, धनिया से भी खुशबू बहुत इन्हेंस होता है, सो धनिया भी हमने ऐड किया है। गाइज वीडियो अगर अच्छी लग रही हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को भी दबा दे ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो को अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइज चैनल पे आप जाओ, मेरे चैनल पे विजिट करो, मैंने ऑलरेडी रेसिपी की वीडियो बहुत सारी अपलोड कर रखा है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। गाइस हाई फ्लेम पे ही अभी सब कुछ है हमारा, लो फ्लेम नहीं है। बटर मैंने यहाँ पे फिर से ऐड किया है। गाइस आप बटर भर भर के यहाँ पे डालो, चूंकि बिना बटर के पाव भाजी अधूरा होता है। गाइस यहाँ पे मैंने पानी का भी थोड़ा यूज़ किया क्योंकि बहुत ड्राई हो चुका था, इसलिए मैंने थोड़ा बैलेंस करने के लिए हल्का सा पानी भी यूज़ किया है।
राइट पानी ऐड करके गाइस हाई फ्लेम पे ही आप छोड़ दो। इसमें आप देख सकते हो उबाल आने लगा है, बहुत ही अच्छा खुशबू भी आ रहा है गाइस, बिलीव मी। एंड नाउ अब हम चलते हैं अपने पाव की ओर। सो ये अब मैं अपने तवा पे कर रहा हूँ। सो ये जो मैं पाव खरीद के लेके आया था, आपको बीच से कट मारना है, पूरा कट नहीं मारना है, 60% कट मारना है। कट मारने के बाद आप क्या करो, अपने तवा पे बटर डालो। ओके, बटर के बाद आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, बिल्कुल हल्का हल्का सा डालना है, हाथ से डालना, चम्मच से मत डालना, बिल्कुल जरा सा। फिर मैंने धनिया पत्ता भी डाला। एंड देन फिर आप क्या करो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी डालो और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला भी डालो। एंड जो भाजी हमने बनाया था उसको भी मैंने थोड़ा डाला। अब आपको क्या करना है, ब्रेड को ऐसे लेके आपको ऐसे ऊपर रखना है तवा के ऊपर, देन फिर उठाना है आपको, सो डैट मसाला ब्रेड के अंदर तक जाए। ठीक है, जैसे कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। तो जो भी हमारा भाजी था वो ब्रेड के अंदर भी गया है। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत लग रहा है, ये देखो गाइज, मस्त लग रहा है ना गाइज। जी हाँ, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है अपने पाव। देन फिर हम क्या करेंगे, इसको ये हमारा हो चुका है, आपको इसको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसको प्लेट में निकाल लेना है। सो मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाता हूँ। सो ये रही हमारी फर्स्ट पाव। ओके, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अपने सेकेंड पाव को भी निकाल लेंगे। सो ये रही हमारी सेकेंड पाव। ओके, नाउ अब हम चलते हैं अपनी भाजी की ओर। सो ये रही हमारी भाजी, देख सकते हो आप बिल्कुल ना ज़्यादा गीला बना है ना ज़्यादा ड्राई बना है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बना है। एंड टेस्ट करके भी देखते हैं कि कैसा हमारा पाव भाजी बना है। गाइज बिलीव मी, इससे अच्छा आपको स्ट्रीट पे भी नहीं मिलेगा, बिलीव मी गाइज, आप बहुत अच्छा बना सकते हो जैसे मैंने बनाया। सो गाइज ये रही हमारी पाव भाजी, गाइज बहुत अच्छी दिखने में लग रही है। आप इसको सर्व करो नींबू के साथ और मैं चला खाने। Alright, so guys, I hope आप लोगों को मेरी पाव भाजी की रेसिपी अच्छी लगी हो। Guys, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, so please आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। Guys, आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, so please आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जैसे ही मैं अगली वीडियो को अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सको। वन मोर थिंग गाइज, अगर आप लोग किसी अदर रेसिपी में इंटरेस्टेड हो ना, तो गाइस आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, मैंने बहुत सारी रेसिपी की वीडियो वहाँ पे अपलोड ऑलरेडी कर रखा है। इन केस अगर कोई रेसिपी वहाँ नहीं है, मिसिंग है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं अगला वीडियो उस रेसिपी पे बना दूंगा। गाइस मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।